हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइजर का। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो मुझे इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा पसंद आई है। ये काफी अच्छे से पैक होके आता है, इसके अंदर कोई भी लीकेज या डैमेज के चांसेस नहीं होते हैं। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का क्लासी सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जो ये जेल मॉइस्चराइजर है ये आता है। मुझे इसका कलर और पैकेजिंग दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका MRP 950 है। मैंने ये नायका से ऑर्डर किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये कॉम्बो ऑफर में मंगवाया था जिसमें एक ये मॉइस्चराइजर था, एक ऑयल फ्री एक्ने वॉश था और न्यूट्रोजेना सनस्क्रीन थी। उनके रिव्यू का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो इस पे 30% डिस्काउंट था, तो मुझे ये 670 का कुछ पड़ा था। और बाकी जो दोनों प्रोडक्ट है जो कॉम्बो ऑफर में आए थे वो भी मुझे काफी सस्ते में अवेलेबल हुए थे। आई थिंक अब जो है वो कॉम्बो ऑफर अवेलेबल नहीं है, तो आप इन्हें इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं। तो उन तीनों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप चाहें तो इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ml है और मुझे इसको यूज करते हुए ऑलमोस्ट 1 month हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा बचा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये 3 से 4 महीना आराम से चल जाएगा। ये हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, एंड फॉर ऑयली स्किन इट वर्क्स लाइक बॉम। बट ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन न्यूट्रोजेना ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है स्पेशली, तो दे कैन ट्राई दैट वन। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी स्किन ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइजिंग की जरूरत नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी क्योंकि मेरी स्किन भी काफी ज्यादा ऑयली है। बट इन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम अपनी स्किन को उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो हमारी स्किन और भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से एक्ने इश्यूज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स और हमारी स्किन पे डलनेस आ जाती है। इसके लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना ही करना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग हर एक स्किन टाइप के लिए जरूरी है, चाहे किसी की ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, चाहे सेंसिटिव स्किन हो। बट हाँ, अपने लिए एक सही मॉइस्चराइजर यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनको स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक बार ये वाला मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें, क्योंकि मुझे ये काफी 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 ज्यादा पसंद आया है। ये पहला मॉइस्चराइजर है जिसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होता है। इसका जो टेक्सचर है ना वो काफी ज्यादा वाटरी फॉर्म है। लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा वाटरी फॉर्म में है। ये बहुत इजीली हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। मैं बार बार ऑयली स्किन बोल रही हूँ, इट डजंट मीन कि ये बाकी स्किन टाइप के लिए सुटेबल नहीं है। बट ऑयली स्किन वाले जो है वो सभी मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें काफी हैवी फील होता है, तो उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। ये जो लोग ये नहीं लेना चाहते हैं वो लोग पोन्स का जो जेल मॉइस्चराइजर है वो ले सकते हैं, वो काफी चीप है इसके कंपैरिजन। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी लाइट है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं आपको इसे यूज करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है ये यूज नहीं होता है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ, बिल्कुल इतना सा, और मैंने अपने हैंड्स पे ले लिया है और उसके बाद में फेस पे अप्लाई कर दूंगी। मैं ऑलरेडी अपना जो है क्लीनिंग, टॉनिंग और सीरम अप्लाई कर चुकी हूँ, तो उसके बाद ही आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा स्किन केयर रूटीन का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरा वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अगर आप कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो उसे प्लीज अपनी नेक पर भी जरूर अप्लाई करें, नेक को इग्नोर ना करें।
तो इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के बाद आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगता है, ऑयली लगने लगता है, तो ये चीज भी आपको नहीं होगी अगर आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में क्विकली थोड़ा बता देती हूँ। ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है 50% से ज्यादा, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर स्किन। आप इस मॉइस्चराइजर को CTM में यूज कर सकते हैं, मेकअप से पहले एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज की न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल जो क्लिनिक सर्च मॉइस्चराइजर है उसके बिल्कुल टक्कर में है। डेफिनेटली आप सब लोगों ने क्लिनिक मॉइस्चराइजर सर्च का नाम तो सुना ही होगा और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो कितना ज्यादा कॉस्टली है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्लिनिक सर्च मॉइस्चराइजर 72 आवर्स जो है 2700 में सिर्फ 50 ml आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस और उसके प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 3 times का डिफरेंस है। तो अगर आप लोग वो ना लेना चाहो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। मुझे न्यूट्रोजेना के सारे ही प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को भी बाकी न्यूट्रोजेना प्रोडक्ट रिव्यू देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और बाकी शेयर लाइक सब्सक्राइब का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हाँ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।